अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास, कैसे हैं आप लोग बेटा। हमारा लेक्चर नंबर 5 है इंग्लिश का। फ्राइडे डे है 14 डेट है। वर्ड्स मीनिंग हमारे पास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के शुरू किया हुआ है हाकी के। कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होना, इवन बराबर, रेगुलेशन टाइम, इंजबाती वक्त या एक्स्ट्रा टाइम आ जाते हैं, गोल्डन गोल रूल, गोल का सुनहरी असूल, इंटरनेशनल बैन अक्वामी टूर्नामेंट, थ्राइविंग फ्रोग पाना। इसकी मैं ट्रांसलेशन बाद में करवाती हूँ, पहले एप्लीकेशन राइट कर लें। राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड अ मैरिज, शादी को अटेंड करने के लिए, शादी में शिरकत के लिए हमारे पास एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल आइडियल एजुकेटर मॉडल स्कूल सरगोधा सर रिस्पेक्टफुली इट इज सबमिटेड, ये बयान किया जाता है। दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर कम्स ऑन 12th September, मेरे भाई की शादी 12 September को है। वलीमा सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन 13 को वलीमा होगा। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एट होम, मुझे घर पर बहुत सा काम करना है। देयरफॉर इसलिए आई एम अनएबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 4 days, मैं 4 दिन के लिए स्कूल आने से कासिर हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, मेहरबानी करके मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट, फॉर दिस फेवर, मैं इस मेहरबानी पर आपका शुक्रगुजार हूँगा। योर्स ओबीडिएंटली, आपका ताबेदार या आपकी ताबेदार XYZ। अब हम ट्रांसलेशन करते हैं बेटा। द मैच कंसिस्ट ऑफ 2 पीरियड्स ऑफ 35 मिनट्स विद अ शॉर्ट हाफ टाइम ब्रेक अबाउट 5 to 10 मिनट्स। मैच 35 मिनट के 2 दौरानी में, जिसमें तकरीबन 5 या 10 मिनट की हाफ टाइम की ब्रेक होती है, उस पर मुश्तमिल होता है। इफ़ देयर इज एन इवन स्कोर, अगर दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो जाए, आर टाई एट द एंड ऑफ रेगुलेशन टाइम या इंजबाती वक्त के हाथ में पर मैच बराबर रह जाए। 2 extra time periods ऑफ 7.5 minutes कैन बी गिवन, तो 7.5 मिनट के 2 ज़ायद दौरानिए दिए जा सकते हैं। द फर्स्ट टीम टू स्कोर अ गोल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस वक्त के दौरान जो टीम पहले गोल कर ले इज़ द विनर एंड द गेम स्टॉप्स, वो फतेह होगी और गेम रोक दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन गोल रूल, इसे गोल का सुनहरी असूल कहते हैं। इफ़ देयर इज स्टिल अ टाई एट द एंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, पेनल्टी स्ट्रोक विल डिसाइड अ विनर, अगर ज़ायद वक्त के हाथ में पर भी स्कोर बराबर हो तो पेनल्टी स्ट्रोक फातह का फैसला करेगा। वुमेन आल्सो एक्टिवली टुक पार्ट इन द गेम, औरतों ने भी इस गेम में सरगर्मी में हिस्सा लिया। इन एन इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन लाहौर इन 1996 में लाहौर में बैन अक्वामी तौर पर औरतों का हॉकी का टूर्नामेंट हुआ। पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड इन इट, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने इसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान वुमेन हॉकी स्टिल थ्राइविंग एंड मेकिंग इट्स वे टू द इंटरनेशनल लेवल, पाकिस्तानी औरतों की हॉकी टीम अभी तक फ़रोग पा रही है और बैन अक्वामी लेवल पर अपना रास्ता बना रही है। द फॉलोइंग टाइटल्स वर वन बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान ने मुद्दा जैल टाइटल या तमगे जीते। द फर्स्ट एशियन गेम्स हॉकी टाइटल वन बाय पाकिस्तान 1958 टोक्यो, 1958 में पहला जो उनसे है एशियन गेम का तमगा जीता 1958 में टोक्यो में। द फर्स्ट वर्ल्ड कप वन बाय पाकिस्तान 1971 बार्सिलोना, पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जीता बार्सिलोना 1971। द फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप वाज वन बाय पाकिस्तान 1978 वर्सलीज, पाकिस्तान ने पहला जूनियर वर्ल्ड कप जीता वर्सलीज 1978 में। द फर्स्ट चैम्पियन ट्रॉफी वाज वन बाय पाकिस्तान 1978 लाहौर, पाकिस्तान ने पहली चैम्पियन ट्रॉफी जीती लाहौर 1978 में। द फर्स्ट एशियन कप वाज वन बाय पाकिस्तान 1982 कराची, पाकिस्तान ने पहला एशियन कप जीता कराची 1982 में। ये आप लोगों का आज का लेक्चर है बेटा, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है, जो लिखने वाला काम है वो लिखना है और याद करने वाला काम याद करना है, अच्छे तरीके से नीट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।